मेडिकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये मैं खबरों के ऊपर विशेष प्रकाश डाल रही हूँ कि एक महिला के दिमाग में जिंदा कीड़ा मिला। बहुत दिनों से महिला के पेट में दर्द था, बुखार था, दस्त थे, कभी सूखी खांसी हो जाती थी, रात को पसीना आ जाता था। ये सारी समस्याएं 64 साल की महिला थी जिसको ये सारी परेशानियां थी। 2021 में जब उसको भर्ती कराया गया तो उसे भूलने की बीमारी थी। दिमाग का MRI स्कैनिंग कराया गया तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आईं तो डॉक्टरों ने सर्जरी करने का उसका निश्चय किया। और देखा तो वो सब लोग हैरान रह गए कि जिंदा कीड़ा उनको दिमाग में मिला, जिसकी की न्यूज़ राजस्थान पत्रिका में छपी। ऑस्ट्रेलिया में जब इस प्रकार के राउंडवर्म को देखकर डॉक्टर हैरान हुए, क्योंकि ये जो पैरासाइट था ये अजगर में पाया जाता है। और आमतौर पर ये जो महिला थी वो अजगर के कांटेक्ट में थी नहीं, तो आखिर ये इसके अंदर कैसे आया है ये कीड़ा। अभी फ़िलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो इसकी खोजबीन कर रहे हैं कि ये जो महिला है ये क्या ऐसा काम करती थी, कहाँ रहती थी जिसकी वजह से उसको ये कीड़ा उसके दिमाग में पाया गया। उसने ये ज़रूर बताया था कि वो पालक की सब्ज़ी जो है वो अपने पास जो भी फार्म होगा उसमें उगाती थी और उसको वो उपयोग में लेती थी। हो सकता है कि ये कीड़ा वहाँ से आया हो, लेकिन क्योंकि ये अजगर के अंडे से बनने वाला कीड़ा है, सांपों में पाया जाने वाला कीड़ा है, तो ये बहुत ताज्जुब की बात थी। खैर फिलहाल जो है डॉक्टर्स इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर महिला के दिमाग में ये कीड़ा पहुंचा तो कैसे पहुंचा। सावधान हो जाइए कि आप ऐसी जो सब्जियां हैं, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, उनमें कई बार छुपे हुए कीड़े होते हैं। और भी पहले भी ऐसी जो सूचनाएं हैं वो प्रकाश में आई हैं कि पालक के जो पत्ते थे उसमें एक हरा सांप का छोटा सा बच्चा आ गया, और उसमें से जो पालक का जो गड्डी थी उसको महिला ने फ्रिज में रखा और फ्रिज में उसमें से वो निकलकर और दूध खुला हुआ था। तो सुबह जब उसने दूध अपने बच्चों के लिए उबाला तो उसमें जो कीड़ा था वो उबलने के साथ साथ उसको पता नहीं चला, और वही दूध उसने अपने बच्चों को पिलाया तो दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो ये आमतौर पर जो पालक या पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनसे आप सावधान रहें और बहुत ध्यान से ऐसी चीज़ों को यूज करें।